करनाल में मुगल केनाल मार्केट में दुकान बंद करके जा रही दुकानदार के साथ लाठी डंडों से बदमाश ने मारपीट की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दुकानदार का आरोप है कि पुलिस इस मामले में ठोस तरीके से कार्यवाही नहीं कर रही है। करनाल में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार कभी लूट, कभी चोरी, तो कभी बदमाश लाठी डंडे बरसाते जा रहे हैं। एक दुकानदार अपनी दुकान बंद करके घर को जाने के लिए तैयार था, लेकिन उस दुकानदार के इंतजार में कुछ बदमाश बाइक पर बैठे थे। जैसे ही दुकानदार ने शटर बंद किया, एक बदमाश ने आकर दुकानदार को लाठी डंडे से पीटना शुरू कर दिया और सिर में कई डंडे मारे, दुकानदार को घायल कर दिया। दुकानदार के सिर पर कई टांके आए हैं। दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन दुकानदार का आरोप है कि पुलिस कार्यवाही में सहयोग नहीं कर रही है। दुकानदार की मुगल केनाल मार्केट में डिश की दुकान है। ये घटना तब हुई जब वो दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था। दुकानदार का कहना है कि उनकी किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है और बदमाश कोई लूट के इरादे से भी आए हुए हो सकते हैं, क्योंकि रोजाना वो कैश अपने घर अपनी गाड़ी में लेकर जाते हैं। दुकानदार का कहना है कि पुलिस इस मामले में सहयोग नहीं कर रही है और ना ही जांच के लिए आसपास के फुटेज जुटा रही है। जब हमने सिविल लाइन थाने का दौरा किया तो SHO थाने में नहीं मिले और फोन किया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। बहरहाल पुलिस को समझने की जरूरत है कि और ठोस कार्यवाही करने की जरूरत है, ताकि लगातार बढ़ रहे क्राइम ग्राफ पर अंकुश लगाया जा सके। देखना यह होगा कि पुलिस आखिर दुकानदार पर हमला करने वाले बदमाशों को कब गिरफ्तार करती है। बस वो गाड़ी में सामान रख नहीं गया तो इतने में ये एक लड़का सामने से पीछे से मेरे जिसने डंडों से मारा और दूसरी तरफ से तीन चार लड़के और मेरे गिरने के बाद भी मेरे को पीटते रहे। मेरे को नहीं पता ये कौन लोग थे। मैंने इसके लिए शाम को मैं मेडिकल मेरे जो साथी था मेरे को हॉस्पिटल ले गया, सिविल हॉस्पिटल। वहां से मेडिकल बनवा के मेरे सर फट चुका था, बिल्कुल खून आ रहा था, टांके भी लगे हुए मेरे सिर के ऊपर, 6 से 7 टांके हैं। तो जब मैं पुलिस स्टेशन में गया था, पुलिस स्टेशन वालों का बिहेवियर बहुत ही नेग्लिजेंस था। उन्होंने कोई PCR पे उन्होंने खुद इन्फॉर्म नहीं किया, बल्कि मेरे को ही कहने लगे कि आप CCTV फुटेज लेके आइए। मैं 2-3 दिन से CCTV फुटेज अपने लेवल पे कलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई कि वो चौक पे कुछ कैमरे लगा रखे हैं तो उन्होंने कुछ वो अपनी तरफ से देखे। तो मैं पुलिस को जाता हूँ कि CMCT होने के नाते इतना बड़ा मुगल केनाल है, यहाँ पे सभी लोग व्यापारी हैं, लोग पैसा भी लेके जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पे। क्या पुरानी रंजिश या कोई लूट का इरादा मेरे कुछ ऐसा? को कुछ ऐसा नहीं समझ आ रहा, क्योंकि मेरा ऑफिस 4 साल से मैं यहीं चला रहा हूँ, तो ऐसा कोई लड़के सब पुराने हैं, कोई ऐसा कुछ छोड़ के भी नहीं गया, मतलब मेरे को अभी तक समझ नहीं आया। लेकिन कुछ हो भी सकता है, किसी ने कोई पर्सनली ले रखा हो तो मेरे को ना बताया। सर हो सकता है कि लूट के इरादे से बोलो। हाँ, ये भी जरूर हो सकता है, क्योंकि मेरी जेब में मेरे पास बैग था, बैग में कैश था, वो जाके जा चुका था, गाड़ी में रख चुका था मेरा दोस्त। जेब में 2-1 हजार रुपए थे, वो गिर गए, वो मतलब मेरे को बाद में नहीं मिले। वो बाद में हो सकता है उसमें मारने के वक्त गिर गए हो, या वो हो सकता है उनको पहले से पता था, क्योंकि वो मैंने जब दूसरी CCTV फुटेज देखे सामने की तो वो आधे घंटे पहले से खड़े थे। तो हमारा रोज DTH का काम है, एयरटेल DTH का, रोज पे कैश भी होता है थोड़ा बहुत, तो चलो वो हम रात को ज्यादा नहीं रखते लेकिन थोड़ा बहुत होता है, तो इस चक्कर में भी वो हो सकता है कि आए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुमिंदर मल्होत्रा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.